नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय आप न्यूज़ क्लिक पे देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट जंतर मंतर से। एक बहुत बड़ा सवाल यहां से उठ रहा है कि क्या महिला आरक्षण बिल विपक्षी एकता का मुद्दा बन पाएगा, क्या ये तमाम दलों को जोड़ पाएगा ठीक उस समय जब एक के बाद एक तमाम विपक्षी दलों पर CBI और ED के छापे पड़ रहे हैं, उनके समन हो रहे हैं। यहाँ बहुत खास बात है कि इस बार महिला आरक्षण बिल पर लीड लिया है, ये धरना और एक दिन की भूख हड़ताल, इसका आह्वान किया के कविता ने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी हैं। और इस बहाने उन्होंने 2-3 दांव बहुत राष्ट्रीय स्तर पर तगड़े खेले हैं। सबसे पहले उन्होंने अपील की कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने हवाला दिया सोनिया गांधी का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया सोनिया गांधी का और ये कहा कि सोनिया गांधी की बदौलत ही संसद में महिला आरक्षण बिल आ पाया। और आज उन्होंने यहाँ से अपील की कि कांग्रेस को विपक्षी एकता के साथ हाथ मिलाना होगा। और इसी के साथ दूसरी अहम बात कि जिस समय देश की राजधानी दिल्ली में राजद के नेता तेजस्वी के अनगिनत इलाकों पर छापे पड़ रहे हैं, CBI की पूछताछ चल रही है, उस समय उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि विपक्ष अगर एक नहीं होगा तो इस तरह के जो हमले हैं उन हमलों का सामना करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। और तीसरी अहम बात, इस तरह से जो BRS बनी है, TRS से BRS बनी है, उसकी जो राष्ट्रीय राजनीति में दखल होगी वह किस तरह से होगी, क्योंकि आज हमने देखा कि जंतर मंतर पर के कविता के बुलावे पर 12 से 13 पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर आईं और उन्होंने कम से कम महिला आरक्षण पर अपना समर्थन दिया। सवाल बहुत सीधा सा है कि विपक्ष पर जब तीखे हमले हो रहे हैं तब जंतर मंतर का यह आयोजन क्या कोई नया गुल खिला पाएगा? मुद्दा कविता का नहीं है, मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, मुद्दा पूरा देश का है, क्योंकि देश की आधी आबादी को आप बाहर रखोगे, देश की आधी आबादी को आप राजनीति का अवसर नहीं दोगे तो देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा जैसे एक ही पंख से जैसे चिड़िया उड़ती हो ऐसा उनका उड़ान होगा, लेकिन दो पंख एक मर्द और एक औरत मिलकर जब उड़ेंगे आकाश को छूने तक वो उड़ान हो सकती है। इसीलिए हम आज महिला का आरक्षण मांगते हैं और कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि 92 में लोकल बॉडीज में जब हमने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, आज 50% से ज़्यादा वो लोकल बॉडी में आ चुकी है। अगर आज हम 2023 में 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, डेफिनेटली एक 10-20 साल में more than 50% संसद में और असेंबली में महिला नेता आ सकते हैं, उससे देश को आगे बढ़ने का बढ़ाने का भी अच्छा मौका हमें मिल सकता है। और हमारा मानना है कि हम किसी से भीख मांगने जंतर मंतर नहीं आए, हम अपना हक और अधिकार मांगने आए हैं। अगर 50% आबादी है इस देश में महिलाओं की जो वोट भी करती है और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के बोलती भी है, तो क्यों ना उसको सदन में मौका दिया जाए। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, मैं जानती हूँ कि धनबल और बाहुबल की राजनीति के आगे महिलाओं को बहुत कम आंका जाता है, और जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा महिलाओं को अवसर भी नहीं मिल पाएगा। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को अवसर मिले ताकि हाथरस से लेकर कानपुर तक जो घटनाएं हो रही हैं उनका मखौल ना उड़ाया जाए, जबकि उन पर सीरियसली बात की जाए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ पूजा, आप नौजवान हैं, आपने सड़कों पर बहुत लड़ाई की है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से आप लड़ती भिड़ती रही हैं, अभी जो विपक्ष पे निशाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कविता को भी CBI का नोटिस आया हुआ है, मनीष सिसोदिया है ही, तेजस्वी पर हमला है, ये जो पूरा पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य है इसे कैसे आप देखती हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पर भी चुनाव होता है CBI और ED की रेट पड़ती है। मेरा ये मानना है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे देश के क्रांतिकारियों को बहुत तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा, कई नेता उस समय जेल गए, जब इमरजेंसी का आंदोलन हुआ तो तमाम नेता जेल गए, तो जेल CBI ED ये तो हमेशा लोकतंत्र बचाने वालों के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे पहले कोई और सरकार थी वो करती थी, तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के मुद्दों को, रीजनल पार्टीज के इश्यूज को और रीजनल पार्टीज को खत्म करने का उद्देश्य है इन लोगों का, इसलिए इस तरह का शिकंजा कस रहे हैं। BJP हमेशा से रेवेंज की पॉलिटिक्स करती है, ये अलग बात है कि इस समय जो BJP के लीडर्स हैं सत्ता में वो
उनके भाषण सुनिए, उनकी बातचीत सुनिए, तो वो हमेशा से सांप्रदायिकता फैलाने, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश के मुद्दों की कम बात होती है, धर्म की ज़्यादा बात होती है। कौन रामचरितमानस को मानता है, कौन नहीं मानता है, इस तरह के मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है ताकि विकास पर सवाल ना हो सके, ताकि गैस की सब्सिडी पर सवाल ना हो सके, महंगाई पर सवाल ना हो सके। और जहाँ तक पहले ये था कि लोगों को भरोसा था न्यायालय पर, सीबीआई पर, ईडी पर, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका मिसयूज किया है, कहीं ना कहीं जनता का भरोसा इस पे उठ चुका है। और पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार आपसे किसी तरह से नहीं जीत पाएगी तो वो आपको अपमानित करेगी, बदनाम करने का प्रयास करेगी और इस तरह की जांचें करा करके आपका समय व्यर्थ करेगी। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि के कविता क्या कहती है आज के हालात को और किस तरह से देखती है उनके ऊपर मंडराते खतरे को, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरह से समन किया है और जिस तरह से हमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सीबीआई जिस भी विपक्षी नेता को समन करती है, जिसके पीछे पड़ती है, वह या तो जेल जाता है या फिर वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह वॉशिंग पाउडर बीजेपी में जाकर अपनी धार चेंज करता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली पार्टीज लाइक बीजेपी, ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि जो ऑलरेडी जीत चुके हैं वो इलेक्शन में जो लोगों से वादा किया है उनमें काम करना है, गवर्नेंस में फोकस देना है, ये आम पार्टियां सोचती है। लेकिन बीजेपी एक स्पेशल पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, तो एक इलेक्शन खत्म हो गया तो अगले इलेक्शन के बारे में सोचना। तो अभी उनका इश्यू ये है कि 2024 पार्लियामेंट में वापस कैसे पावर में आना है। तो पावर में आने के लिए जो भी पार्टीज उनको अपोज कर रही है, जो भी पार्टीज उनको उनके फेल्यूर्स को एक्सपोज कर रही है, तो उनका बस यही है कि वो पार्टीज़ को इंटिमिडेट करना है, उनको आवाज़ बंद कराना है, चुप कराना है किसी भी तरीके से। एंड आई बिलीव इन द बिगिनिंग इट हैज़ वर्क टू एन एक्सटेंट, मोर पार्टीज वेंट ऑन साइलेंट, मोर चैनल्स वेंट साइलेंट, मेनी मीडिया हाउसेज स्टॉप्ड फंडिंग द ऑपोजिशन पार्टीज, देर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैव वर्क्ड विद वेरियस बिजनेस हाउसेज वेयर दे हैव स्टॉप्ड कमिंग इन टू स्टेट्स नॉट रूल्ड बाई बीजेपी एट्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन, दिस इंटिमिडेशन इज विजिबल एट द पोलिटिकल लेवल एंड द मीडिया लेवल, बट द अनसीन इंटिमिडेशन दैट यू सी अक्रॉस, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। क्या हुआ मेरे केस में, उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से ये लिकर पॉलिसी केस में जोड़ना चाहा, तो पहले सीबीआई को बोला कि ऐसा है वैसा है, सीबीआई कम टू माय होम, आस्क मी क्वेश्चंस। अगले दिन से ये शुरू हो गया, 4-5,000 हैंडल्स में एक ही मैसेज, लिटरली कॉमा फुल स्टॉप भी वेरिएशन नहीं होता है, बस उसको देखे कंटिन्यूसली चैटबॉट्स होती है, टूल किट्स होती है, उसके उसके तरीके से द स्प्रेडिंग इट अक्रॉस, द वे दे स्प्रेड द लाइस इन दिस कंट्री, दे हैव इन्वेंटेड अ मेथड, तो पहले ऐसा नहीं होता था। सो ऑर्गेनाइज्ड वे टू इंटिमिडेट द ऑपोजिशन एट एवरी लेवल, कोई पेपर में लिखेगा, कोई चैनल में बोलेगा, फिर कोई ट्वीट करेगा, फिर वही मैसेज व्हाट्सएप में जाएगा, फिर वही मैसेज ये लोग मोहल्ला मीटिंग लगाते हैं उसमें चलेगा। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक एक इंटिमिडेशन टेक्निक जो चलाते हैं, मानना चाहिए उन्होंने अच्छा ट्रिक इन्वेंट किया है, लेकिन अब लोग जान चुके हैं कि ये लोग करते ऐसा है। तो इसको तोड़ने का भी, जो बोलते हैं ना, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो तरकीब होता ही है। जब पॉलिटिकल पार्टी समझ गई है, सोशल एक्टिविस्ट समझ गई है, बहुत सारे पत्रकार मित्र समझ गए, तो इसका हम हल ज़रूर निकालेंगे। गलती एक हद तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी है, क्योंकि हम लोग चुप रहे थे जब सेक्शन 15 लग रहा था, और सेक्शन 50 को इन्होंने ईडी के तहत इतना मजबूत बनाया था, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तब समझ नहीं पाई, तो तब चुप रहे हो। अब ईडी में उठा लेंगे ना, अरेस्ट करेंगे, अब क्या कर सकते हो, क्योंकि बन चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट से क्या नतीजा निकल के आएगा, क्या मालूम पड़ेगा। तो आप साइलेंट रहोगे तो कभी ना कभी उसका फेस करना पड़ेगा आपको। तो अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब समझ रही है कि जब सेक्शन 50 बन रहा था पार्लियामेंट में, और ईडी का जो डायरेक्टर होता है उसका एक्सटेंशन 3 साल से 2 साल से 5 साल तक का उसका बढ़ा दिया जाता है, तब चुप बैठे थे पॉलिटिकल पार्टीज, अब तो नतीजा फेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस देश में कि हम लोग लोगों पे ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। तो मोदी जी इतने बहुमत से जीत के आए थे तो कुछ डिसीजन बना रहे, कुछ बोल रहे कि हम करप्शन हटा देंगे, ये करेंगे, वो करा देंगे, करेंगे, नेशन को क्लीन करेंगे, तो एवरीबडी गेव हिम ए बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन वो धीरे 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 लोगों को अभी पता चल रहा है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही सबसे बड़ा गलती हो गया इस देश का, क्योंकि आपने देखते देखते आधार बिल पास हो गया, लेके फाइनेंस बिल,
देन द अपोजिशन कुडंट डू एनीथिंग. देखते देखते सिटीजनशिप का बिल पास हो गया, NRC हो गया, 370 हो गया, ये सारे चीज़ जो ये देश बचा के रख रहा था एक तरीके से. आई एम नॉट सेइंग फंडामेंटली आई एम अगेंस्ट एवरी बिल दैट दे पास्ड, बट द वे दैट दे पास्ड दैट वी शुड हैव प्रोटेस्टेड ऑल ऑफ अस, नॉट वन पार्टी, एवरीबडी. तब नहीं कर रहे हो तो अब उठा के जेल में डाल देंगे, अब क्या कर सको. इमरजेंसी के टाइम पे मिसा भी ऐसा ही लगता था, अब ईडी लग रहा है. तो तब बाद में रियलाइज हुआ, अभी भी रियलाइजेशन होगा. जैसा उस टाइम पे इनकलाब आया था अभी भी जरूर आएगा. आज देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस भी है, और आज ही के दिन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से राजनीतिक पहलकदमी ली गई, निश्चित तौर पर वह एक नया संकेत दे रही है. वह यह संकेत दे रही है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर अगर 12-13 राजनीतिक दल साथ आते हैं और यहाँ से इस मुद्दे पर अपील होती है कि मोदी सरकार जिस तरह से कहर बरपा कर रही है, जिस तरह से CBI, ED और तमाम एजेंसियों को विपक्षी दलों के ऊपर छोड़ रही है, उसके खिलाफ वे क्या महिला आरक्षण की जमीन पर एकजुट होंगे. शायद यह संकेत साफ है कि आज नहीं तो कभी नहीं, और जो हमले हैं उनको रोकने के लिए तमाम दलों का साथ आना ही एकमात्र राह दिखा रहा है. शुक्रिया.